स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आप हिंदी में विद्युत धारा बोलते हो। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या कि विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई चालक है, आपके पास कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर में जो चार्ज है वे फ्लो होते रहते हैं। तो जब चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फ्लो होगा तो उसी को आप क्या बोल लोगे? इलेक्ट्रिक करंट बोल लोगे, विद्युत धारा बोल लोगे। इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट होती है, जो इस विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है, वो क्या होता है? एम्पियर होता है। एक एम्पियर में 10^3 मिली एम्पियर और एक एम्पियर में 10^6 माइक्रो एम्पियर होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को आप एमीटर के द्वारा नापते हैं और एमीटर एक सर्किट में एक परिपथ में सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। सीरीज में विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होता है? क्यों अपॉन टी, यहाँ पर क्यों चार्ज है और टी टाइम है। चार्ज को हिंदी में आप आवेश बोलते हो और टी को टाइम को समय बोलते हो। एक एम्पियर, एक एम्पियर क्या होता है? एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि एक एम्पियर क्या होता है। तो एकांक समय में प्रति कूलम आवेश के प्रभाव को एक एम्पियर कहते हैं। मीन्स कि एक एम्पियर का मीन्स क्या है कि फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकंड, कि एक सेकंड में जितना 1 कूलम का चार्ज फ्लो होगा उसको आप एक एम्पियर बोलोगे। अब बात आती है चार्ज की, कि चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। किसी भी मैटर में कोई ना कोई चार्ज उपस्थित होता है, किसी भी मैटर में, चाहे वो कोई भी मैटर हो, तो उसको आप क्या बोलते हो? चार्ज। ऐसा यूनिट चार्ज को आप किस चीज़ में मेजर करते हो? कूलाम में मापते हो आप इसको। तो जो चार्ज की ऐसा यूनिट होगी वो कूलाम हो जाएगी। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की जो दिशा होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की उल्टी होती है। सपोज करो अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस ओर फ्लो हो रहा हो तो विद्युत धारा की जो दिशा होगी, इलेक्ट्रिक करंट की जो दिशा होगी वो इसके उल्टी होगी, वो इस ओर फ्लो होगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन में 1.6×10^-9 कूलम होते हैं। और टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज आपके दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसके बाद आपके पास क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? विद्युत परिपथ क्या होता है? द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट कंसिस्ट सेल इलेक्ट्रिक बल्ब एमीटर एंड की। किसी विद्युत धारा के सतत बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो ये आपका विद्युत परिपथ है, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें कौन कौन सी चीज होती है? सेल, की बोलते हैं आप स्विच, कुंजी, एमीटर। एमीटर हमेशा देखो ये सीरीज में कनेक्ट है ना, ये है। मैंने आपको अभी बताया था पीछे से कि एमीटर को हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये इसका नेगेटिव एंड है। ये आई, ये क्या है कि विद्युत धारा, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर फ्लो हो रहा है एक सर्किट के अंदर। एक सर्किट के अंदर तो ये क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, प्लस से माइनस की ओर प्रवाह होता है। लेकिन विद्युत धारा की जो दिशा होगी तो वो क्या होगी? वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत होगी, उल्टी होगी, अपोजिट होगी। अब इसके बेस पे एक एग्जांपल है स्टूडेंट। ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फ्लोज 0.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट 10 मिनट फॉर 10 मिनट। फाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट। एक आपके पास बल्ब है, उसका जो फिलामेंट है उसमें 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा बहती है 10 मिनट के लिए। तो उस इलेक्ट्रिक करंट में जो चार्ज होगा कितना हो गया? आपको दिया हुआ है आई 0.5 एम्पियर, टी दिया हुआ 10 मिनट। इसको आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। टाइम को आप हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करोगे। और आपके पास फॉर्मूला था क्या कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो उस कैल्प से आपके पास क्यू बराबर आई टी आ जाएगा। आई की वैल्यू रख ली, टी की वैल्यू, आपके पास 300 कूलम, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन एग्जाम में पिछली बार आया था ये कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट इन 1 कूलम चार्ज, कि एक विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6×10^-19 कूलम होते हैं। तो 1 कूलम में कितना हो जाएगा? तो ये उठकर इसके एक के अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या किया, 1.6 ये जो आया इसको आप से आपने इसके पास से आपने पॉइंट कटाया और यहाँ पर 0 बढ़ा दी, तो 10/16। और जैसे आप 10^-19 को ऊपर ले गए तो ये प्लस की हो जाएगी।
अब आपने 10 को 16 से डिवाइड किया तो आपके पास 0.625 इंटू 10 की पावर 19 ही आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर पॉइंट को लेकर आओ तो इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, तो इतने कूलम होते हैं एक इलेक्ट्रॉन में। तो स्टूडेंट ये वीडियो थी, नेक्स्ट टॉपिक में इस वीडियो का जल्द ही डालूंगा।